हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पीएस कमांड के बारे में। पीएस कमांड से हमें क्या क्या डिटेल्स मिल सकते हैं, मैं उसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। तो पीएस कमांड से हमें प्रोसेस का डिटेल्स मिलता है और पीएस कमांड से क्या क्या कैप्चर करता है। अगर आप PS-EF चलाओगे तो यहाँ पे सिस्टम पे जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं सारे का डिटेल्स यहाँ पे देगा। इसे एवरी प्रोसेस के बारे में बताएगा और ऐप से फुल फॉर्मेट में दिखाएगा। अगर आप PS-E उसके बाद कैपिटल में M टाइप करोगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने सिर्फ PS कमांड चलाया है तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है, ये प्रोसेस आईडी बता रहा है, TT सेशन बता रहा है मुझे, यहाँ टाइम और यहाँ पे कमांड बता रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या चलाया है, PS-EF चलाया है। तो सिस्टम में जितने भी प्रोसेस हमारे रनिंग है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे हमें ये बताएगा। यहाँ पे UID बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे PID बता रहा है, यहाँ PPID बता रहा है, यहाँ पे हमें स्टार्ट टाइम बता रहा है, TT बता रहा है, यहाँ पे टाइम बता रहा है हमें कि ये कमांड कितने देर से चल रही है। उसके बाद यहाँ पे कमांड का डिटेल्स दे रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमांड। यहाँ पे PS-E और कैपिटल में M मैंने टाइप किया है, उसके बाद इंटर किया है तो यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये SE Linux का हमें यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे PID दिया हुआ है, यहाँ पे TT सेशन बताया है, यहाँ टाइम बताया है, यहाँ पे कमांड बताया। अगर आप PS-E के जगह आप कैपिटल में A टाइप करोगे तो वहाँ पे भी आपको सारे प्रोसेस के डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप चाह रहे हो कि हमारे सिस्टम पे एक पुराने जो एडमिन चलाया हुआ है कमांड, तो आप उसको कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो PS-U कैपिटल में U, उसके बाद यहाँ पे रूट, उसके बाद यहाँ पे -U, उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे मैंने यहाँ पे रूट यूजर के लिए लिया हुआ है तो यहाँ पे रूट डाला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे U, U से यहाँ पे यूजर लिस्ट दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रूट बताया है, यहाँ रूट यूजर का बताया है, यहाँ PID दिया है, यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन बताया है, मेमोरी यूटिलाइजेशन बताया है, वर्चुअल मेमोरी के बारे में बताया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे RSS के बारे में बताया है, उसके बाद यहाँ पे TT सेशन के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट बताया है सर्विस की स्टेट, उसके बाद यहाँ पे कमांड के स्टेटस बता रहा है, उसके बाद स्टार्ट टाइम बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे टाइम बता रहा है, उसके बाद यहाँ पे कमांड बता रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर आप PS-A और यहाँ पे U और उसके बाद X टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा सिस्टम पे जितने भी प्रोसेस है, कौन सी यूजर चला रहा है, किसने एग्जीक्यूट किया हुआ है, उसकी यहाँ पे ये डिटेल्स देगा। जैसे यहाँ पे मेरा सिर्फ रूट यूजर था तो इसलिए यहाँ पे यह रूट यूजर का दिखा रहा है, यहाँ पे PID दिया है, CPU मेमोरी दिया हुआ है, यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी दिया है, यहाँ RSS के बारे में बताया है, TT सेशन, सेम चीज़ यहाँ पे स्टेट बताया हुआ है, स्टार्ट टाइम टाइम बताया है, उसके बाद यहाँ पे कमांड दिया हुआ है। उसके बाद आपको थ्रेड की डिटेल्स देखनी है तो आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी PS, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको यूज करना पड़ेगा -E और कैपिटल में L टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद F। इससे आपको क्या होगा, थ्रेड के डिटेल्स देगा। यहाँ L से आपको यहाँ पे ये थ्रेड का डिटेल्स देगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं LWP आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है NLWP। ठीक है, इससे क्या हमें पता चलता है, यहाँ पे थ्रेड आईडी के बारे में पता चलता है, उसके बाद नंबर ऑफ थ्रेड्स के बारे में पता चलता है। अगर आपको प्रोसेस ट्री के बारे में देखना है तो उसके लिए कमांड चला सकते हो आप PS, उसके बाद AX, उसके बाद J और F, या तो आप यहाँ पे चला सकते हो PS-EX, उसके बाद J, उसके बाद F। ठीक है, यहाँ प्रोसेस ट्री के बारे में बता देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ PPID है, यहाँ PID है, और यहाँ पे PGID है और SID है। SID का मतलब यहाँ पे आपको ये सेशन आईडी बता रहा है, एक ग्रुप आईडी बता रहा है आपका, यहाँ पे प्रोसेस के ग्रुप आईडी बता रहा है। -J से यहाँ पे आपको जॉब फॉर्मेट में दिखा रहा है।
ठीक है, अब मैं आपको कमांड चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम नॉर्मल पीएस कमांड चलाते हैं, तो ये देखिए आपको यहाँ पे आउटपुट दे रहा है, ये कमांड की डिटेल्स आ गया, टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे TTY बता रहा है, यहाँ पे PID बता रहा है। अगर मुझे सिस्टम के सारे प्रोसेस डिटेल्स देखनी है तो उसके लिए कमांड चलानी होगी आपको PS-EF, उसके बाद आपको इंटर करना है। तो ये देखिए यहाँ पे सिस्टम में जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं सारे की डिटेल्स यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऊपर चलते हैं, ये देखिए आपको यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन पे, उसके बाद आपको सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो उसके लिए आपको कमांड चलानी होगी PS-E, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल में M टाइप करनी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये डिटेल्स दे दिया। ऊपर चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये AC Linux का डिटेल्स दिया है, ठीक है। कर्नल्स का बता रहा है क्या परमिशन है क्या है, ठीक है। उसका PID बताया, यहाँ पे TT के बारे में, यहाँ पे TTY के बारे में बताया, यहाँ पे टाइमिंग, उसके बाद यहाँ पे कमांड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग। अगर आपको सारे प्रोसेस डिटेल्स चेक करनी है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे PS-A का यूज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमें ये सारा डिटेल्स हमें ये दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे PID दे रहा है, TTY दे रहा है, टाइम दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे कमांड की डिटेल्स दे रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अगर आपको चेक करनी है कौन से यूजर से कौन सी कमांड चल रही है तो आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा PS-A, उसके बाद यहाँ पे यू, यू से यूजर डिटेल्स देगा, ठीक है। ये देखिए किससे आपको कौन सी कमांड चल रही है सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और ऊपर चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे CPU का डिटेल्स दे रहा है, कौन सी यूजर हमारा कितना CPU यूटिलाइज कर रहा है, मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। ये हमारी ये वर्चुअल मेमोरी की डिटेल्स दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे TTY के बारे में बता रहा है, सर्विस के स्टेटस बता रहा है, कौन सी रनिंग है कौन सी स्लीप है, ठीक है, यहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट टाइम के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे टाइम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कमांड की डिटेल्स दे रही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अगर आपको थ्रेड चेक करनी है तो उसके लिए कमांड यूज करनी पड़ेगी PS-E, उसके बाद कैपिटल में L, उसके बाद यहाँ पे F। अब देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स हमें यह दे दिया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सारा डिटेल्स हमें दे दिया, UID दे दिया, यहाँ पे PID दे दिया हमें, यहाँ PPID दे दिया, यहाँ पे थ्रेड की डिटेल्स दे दिया हमें, यहाँ पे थ्रेड की डिटेल्स दे दिया हमें, उसके बाद यहाँ पे टाइम और कमांड। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। अगर आपको प्रोसेस ट्री स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा PS, उसके बाद यहाँ पे A, उसके बाद X, उसके बाद यहाँ पे J, उसके बाद यहाँ पे F। ये देखिए ट्री स्ट्रक्चर में हमें दे दिया, ये देखिए यहाँ पे दे दिया कि आपका पेरेंट कौन सी है और चाइल्ड प्रोसेस कौन सी है, ये सारा डिटेल्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। ऊपर चलते हैं, ये देखिए PPID दे दिया, PID दे दिया, यहाँ पे PGID दे दिया, SID दे दिया, TT दे दिया, यहाँ पे TPGID दे दिया, TT प्रोसेस ग्रुप आईडी है ये, उसके बाद यहाँ पे स्टेट बता रहा है प्रोसेस की, उसके बाद GUID, उसके बाद यहाँ पे ये टाइम दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे कमांड। अगर आपको और डिटेल्स में जानकारी चाहिए यहाँ पे आप कर सकते हो मैन, उसके बाद यहाँ पे PS करोगे तो यहाँ से आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कमांड के ऑप्शन के, ठीक है दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।